कि आज कुछ हम शब्द अल्फाज अपने दादा के बारे में बोलेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी, उन्होंने कैसे शुरुआत की, किन किन कठिनाइयों को पार किया, ये सब हम आपको बताएंगे। थोड़े से अल्फाज मेरे पसंद आए तो क्या आखिर में शायरी लिखूं मैं उन शख्स पर जिन्होंने कठिनाइयों को पार कर मंजिल को पाया है, हर कदम हर राह पर हर हाल को हराया है, जिन्होंने हम सभी को अपनी छाया में ले हमारा उद्धार कराया है। हाँ, वही शख्स जिन्होंने अपने प्यार से हम सभी को परिवार की डोर पर बांध एक खूबसूरत रिश्ता बनाया है। ये बात है 15 अगस्त 1992 की, जब छतरपुर जिले में जन्म ले ये शख्स धरती पर आए थे, अपने परिवार को खुशियाँ दें, ये अपना नाम सुरेंद्र यादव पाए थे। सीधा साधा सा व्यक्तित्व है जिनका, शौकीन हर चीज़ के, जब ठान लिया कुछ पाने का वो पा लेते हैं किस्मत से जीत के। मानना इन्हों का कुछ ऐसा है कि किस्मत हम अपनी खुद लिखते हैं, ना रोक सके हमें इस दुनिया में कोई, हम इतनी ताकत रखते हैं। बचपन से ही कशिश में जीना इनका स्वभाव रहा है, हर मददगार की मदद करना इनका पहला कर्तव्य रहा है। कि पढ़ाई के सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि गए सर सरतपुर नगरी में कर प्राप्त शिक्षा 1 से 6वीं तक लौटे उनके जमीर में, फिर आकर गुरुकुल स्कूल से करे इन्होंने पढ़ाई, बहनों की शिक्षा के लिए अपनी साइकिल बेच स्कूल की फीस चुकाई। छतरपुर आकर पिता का हाथ बटा दूध बेचने का भी काम किया। हमारी गुरु ने कुछ इस कदर कठिनाइयों का डटकर सामना किया। इंजीनियरिंग का सपना ले क्रिकेट खेल जोड़े पैसे, तुलसी के नीचे रख पैसे, फिर वो इन्होंने सपने अपने। क्रिकेट में सिलेक्शन ले अरुणाचल प्रदेश की अकेडमी पाई, पैसों की कमी ने फिर बाजी मारी, पर हौसले बुलंद थे, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर 2 साल करके छोड़ी इन्होंने ये पढ़ाई। महंगाई के उस दस्तूर में वो एक रोटी का होना जिसके खराब ना हो जाने के डर से उसे विंडो में फंसा ना, वो चाय की दुकान पर काम करना, स्टेशन पर ही न्यूज़पेपर उड़कर सो जाना, वो मारुति शोरूम में काम करना और गाड़ियों को साफ करना। तो अब चलते हैं सर के स्मार्ट वैल्यू के सफर की ओर, कैसे शुरुआत की, क्या अचीवमेंट हुआ। स्मार्ट वैल्यू का सफर कुछ यूँ शुरू हुआ कि 1 नवंबर 2009 में स्मार्ट वैल्यू में सर का एडमिशन हुआ। ये वो पहला कदम था जब सर ने नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर शुरू किया था और अपनी कामयाबी की राह को एक नया योगदान दिया था। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, वही यहाँ हुआ। वो लंबी कामयाबी का पहला तोहफा जो 4 फरवरी 2010 को मिला, बाइक के रूप में वो पहला अचीवमेंट सर के करीब आया था। फिर हमारी गुरुजी ने एक के बाद एक 7 टाइम्स इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया। 2011 में पहला ट्रिप छोड़ 2014 में थाईलैंड घूम गया। वो 25 नवंबर की रात थी जब उज्जैन जाने की चाहत थी, सोच दिमाग में बस यही थी कि आज नहीं तो कभी नहीं। वो रात 11 बजे गाड़ी की जुगाड़ करना और 2 साल बाद बिना मोल भाई अपने लिए जैकेट लेना, फिर यूं ही उज्जैन की चाहत को पूरा करना और उज्जैन को रवाना होना। फिर शुरू हुआ सफर ऊंचाइयों को पाने का, सपने बड़े होते गए और लोग धोखा देते गए। वो होता है ना कि जब हम किसी अच्छी चीज को करने जाते हैं तो टोकता है, राह पर धोखा देते हैं, यहाँ भी हुआ। लेकिन वो अपनों के साथ भी अपने रहे और जो अपने ना थे वो उनके साथ भी अच्छे रहे। लेकिन ख्वाहिश थी मिले लोग कुछ ऐसे अपने जैसे ही, ताकि बदल सके इतिहास। कुछ लोगों के ताने कुछ ऐसे भी थे, घर करोगे काम लड़कियों साथ तो पाओगे सिर्फ हताश ही हताश। कर लोगों को झूठा साबित, सच कर अपना ख्वाब, के नाते हैं वो मध्य प्रदेश के टाइगर और छतरपुर की शान। हर असंभव को असंभव करना उनकी फितरत में है, इसलिए वो मध्य प्रदेश में फेमस है। सबका कहना है 2020 बुरा है, पर हमारे गुरु जी के लिए सबसे सुनहरा है। से अचीवमेंट पाके लोगों के मुंह पे ताला लगाया है, लोगों की उम्मीद से हटके लॉकडाउन में भी बाजी मारी है। जहां उम्मीद की कोई किरण न थी, वहां रोशनी फैला उम्मीद जगाई है। हमारी गुरु जी ने कुछ इस तरह कामयाबी या सफलता पाई है। थैंक यू।